एक पत्रकार से क्या अपेक्षा की जाती है कि वो तथ्य बताए, बात को बिना तोड़े मरोड़े समझाए और जनता से किए संवाद में शालीनता का परिचय दे। परंतु आज हमारे देश में एक तथाकथित पत्रकारों की गैंग है जिसे इन सबसे कोई वास्ता नहीं है। उनका एकमात्र ध्येय है पीएम मोदी और भाजपा का सीधा विरोध। इस ब्रिगेड में सबसे चर्चित और न जाने कहां से वित्त पोषित पूर्व पत्रकार और वर्तमान में पक्षकार अजीत अंजुम ग्राउंड जीरो से अपनी खूब फजीहत करा रहे हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया में पत्ता साफ होने के बाद अब यूट्यूबर बने अजीत अंजुम अपनी एक तरफा उद्देश्यपूर्ण रिपोर्टिंग शैली के कारण बदनाम है और अब जनता ने उन्हें ग्राउंड जीरो पर ही आईना दिखाना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DFI जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे यूपी चुनाव में चुनावी सैर पर निकले अजीत अंजुम अब बेइज्जती के पर्याय बन चुके हैं और उन्होंने कई बार ऐसा कांड किया है कि जनता ने बीच चौराहे पर उनकी हेकड़ी निकाल दी है। अजीत अंजुम अपनी अस्त व्यस्त हालत में राज्य उसके गाँवों और कस्बों का दौरा करते हैं, पर जहाँ उनके एजेंडे की पूर्ति नहीं होती वहाँ के लोगों से उनका मन खट्टा सा हो जाता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मूलतः योगी विरोधी लहर से जुड़े तथ्यों और सरकार समर्थित अपवादों से दूर अपनी एजेंडा पत्रकारिता खोजने की कोशिश करते हैं। हालांकि अधिकांश रूप से राज्य की बयार अंजुम के लिए उल्टी हो जाती है, क्योंकि कई बार मोदी विरोध में उत्तर पाने की होड़ में उन्हें सामने से योगी समर्थित जनता से रूबरू होना पड़ता है, जिसके बाद तुरंत अंजुम का जाति कार्ड खुलता है कि कौन जात हो भाई, अच्छा पंडित हो तभी बीजेपी कर रहे हो। लेकिन यह शब्द अंजुम के मुख से तब नहीं फूटते जब कोई सपा समर्थक अखिलेश की चाशनी में डुबो कर तारीफ करता है। तब यादव हो कि नहीं पूछना तो दूर की बात है, किस पार्टी को वोट करते हो यह पूछने में भी अजीत अंजुम की तबीयत तंग हो जाती है। यूं तो अजीत अंजुम का भाजपा विरोधी आवाजों को खोजना उनका प्रतिदिन का काम है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंजुम पत्रकारिता नहीं अब अपने राजनीतिक आकाओं के लिए अंतिम समय में प्रचार करके मतदाताओं और उनके मानस को प्रभावित करने की बेजोड़ कोशिश कर रहे हैं। पांचवें चरण के मतदान के दौरान अंजुम साहब ने कुछ ऐसे ही प्रश्न जनता से किए जो प्रश्न करना वास्तव में उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उदाहरण के लिए उन्होंने एक वोटर से पूछा, आपने किसे वोट किया, विकास कौन लाएगा, योगी जी, अखिलेश जी, बहन जी, आप किसे वोट दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने उन मतदाताओं को भी प्रभावित किया जिन्होंने अभी तक वोट भी नहीं डाला था। तो आप, हमने आपको रोजाना देखते हैं, आप देश विरोधी ताकतों के संग थे और हमेशा रहोगे। चलिए हालांकि अजीत के एजेंडे के विपरीत अधिकांश मतदाताओं ने दावा किया कि वे भाजपा, योगी, मोदी और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए मतदान कर रहे थे। एक वोटर ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी का सत्य सबके समक्ष है, यह किसे छिपा नहीं है कि बीजेपी विकास की पार्टी है। बीजेपी में काम हो रहे हैं, क्या काम हो रहा है, जैसे हमने अपने विकास करा लिया, लॉक लगवा लिया, छोटे मोटे को काम, फैक्ट्री को तो काम हो जाए, झगड़े की बात हो तो हो जाए, हमारे फोन पे हो जाए। अच्छा, पर ये तो अजीत अंजुम की अब तक की शैली ही रही है जिससे उन्होंने महारत हासिल तो की परंतु पत्रकारिता के मूल्यों की ही बैंड बजा दी। यही कारण है कि इंडिया टीवी जैसे बड़े समूह से हटने के बाद उन्हें किसी चैनल में जगह नहीं मिली। ले देखा TV9 भारतवर्ष ने अपने शुरुआती चरण में उन्हें बतौर संपादक रखा, पर जब वहां भी पत्रकारिता और पक्षकारिता में कोई अंतर नहीं दिखा तो उन्हें TV9 समूह से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया और टाटा बाय बाय कर दिया गया। इसके अलावा अनगिनत भाजपा मतदाताओं से अपनी बोलती बंद करवाने के बाद अजीत अंजुम ने महिला मतदाताओं की जाति पूछकर कई बार सवालों को मोड़ने का प्रयास किया है। चुनावी सैर के दौरान जब उन्होंने एक महिला से पूछा कि वह किस जाति की है, तब महिला ने उन्हें जवाब दिया कि वह टोकरी बनाने वाली जाति से आती है। अजीत ने पूछा कि वे दलित हैं या नहीं, हालांकि महिला मतदाता को यह नहीं पता था कि दलित का मतलब क्या है। हम लोग बंसकार हैं, जो डालिया बांस बनाते हैं ना, बंसकार। अच्छा, अच्छा। ऐसी होते हैं, दलित होते हैं। दलित क्या होता है? पिछड़े वर्ग, दलित, टोकरी बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले। क्यों तो यह पहली बार नहीं हुआ जब अजीत अंजुम को अपने उत्साह पर अंकुश लगाना पड़ा और एजेंडा को नरम करना पड़ा है। ध्यान देने वाली बात है कि यूपी चुनाव के पिछले चरणों के दौरान अजीत ने अपने भीतर के रवीश कुमार को बाहर निकालते हुए एक महिला से संपर्क किया और पूछा कि उसकी जाति क्या है। हालांकि उक्त महिला ने अजीत के विकृत एजेंडे से अवगत होने के कारण सीधे जवाब दिया, मैं हिंदू हूँ, उन्होंने फिर पूछा और महिला ने फिर से वही जवाब दिया। अजीत अंजुम की एक और बार घिग्गी बन गई और मुंह में दही जम गया और उन्होंने चुप्पी साधने में ही अपनी भलाई समझी। मेरा नाम पूजा है। पूजा, तो किस बिरादरी के लोग ज्यादा हैं यहाँ, आप लोग किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। अजीत अंजुम के लिए शर्मिंदगी का एक और दौर तब आया जब उन्होंने अपनी तुच्छ जातिवादी प्रवृत्ति दिखाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई एक वीडियो में अंजुम ने मेरठ के सिवल खास में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए कुछ जातिवादी गालियां दी। ये लोग करे, बहुत विकास हुआ, चोरी चमारी बंद हो गई, चोरी चमारी बंद हो गई, चोरी चमारी बंद हो गई, कानून व्यवस्था बहुत है, इतना विकास हुआ।
अजीत के बयान स्ववर्णित अंबेडकरवादी सूरज बोध के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठे, जिन्होंने अंजुम की जातिवादी गालियों पर आपत्ति जताई और उन्हें कहावतों के बहाने उनका इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा। सभी दिशाओं से आलोचना का सामना करते हुए अजीत ने माफी मांगने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और वही कार्ड खेला जो जातिवादी अश्वेतों को गाली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे काले दोस्त, मैं नष्टवादी नहीं हो सकता। अजीत अंजुम ने ट्वीट किया, मुझे माफ करना सूरज कृष्ण बोध, मैं चोरी चाकरी बोलना चाहता था लेकिन मुझे नहीं पता यह कैसे कहा गया। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ, आशा है आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। मैं न तो ऐसा हूँ और न ही सोचता हूँ, इसलिए मैं भी उन चंद पत्रकारों में से हूँ जो पिछले 6 महीनों में कई बार दलितों के बीच गए होंगे। गौरतलब है कि ये जमाना वो नहीं रहा जो एक समय पर था, ये पब्लिक वो नहीं रही जो एक समय पर थी, यानी नासमझ और अबोध। पब्लिक अब 1 मिनट में 3 में न 13 में वाले लोगों को झट से उनकी वास्तविकता से परिचित करा देती है। कुछ ऐसा ही एजेंडाधारी अजीत अंजुम के जीवन में हो रहा है, जहां बीच चौराहे पर उनकी रही बची शख्सियत भी 12 के भाव में जाती स्पष्ट दिख रही है। उत्तर प्रदेश राज्य की 403 सीटों वाले विधानसभा के लिए चुनाव अब अंतिम चरण में है। परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। हालांकि योगी के राज्य में महीनों बिताने के बाद माननीय अजीत अंजुम को पहले से ही परिणाम पता चल गया होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अब वो किस बनवास को जाते हैं।